हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप जानते हैं कि मैं रोज़ाना आपके लिए इसी टाइम पे तकरीबन रात के 8, साढ़े 8 बजे मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूं, जिसमें मैं आपके जो फेवरेट टोकन होते हैं लवली इनू, फ्लोकी इनू, शिंजा, शिबनोबी, सैमून, जो जो आपके मेन टोकन्स होते हैं जिसका हम जिस चैनल पे वीडियोस पे डिस्कस वगैरह करते रहते हैं, तो उन सारे टोकन्स के हवाले से जो लेटेस्ट जो अपडेट निकल के आती है वो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो इस वीडियो में हम यही टोकन्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ मूव करें, अपने टॉपिक की तरफ मूव करें, आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड, किसी भी टोकन के रिलेटेड कोई भी वीडियो निकल के आए, कोई भी न्यूज़ निकल के आए, कोई भी अपडेट निकल के आए, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस चीज़ का मिस ना कर सकें। सो यहाँ पे विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम मूव करेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हम देखते चलेंगे भाई क्या क्या अपडेट मार्केट में हमें देखने को मिल रही है। तो भाई मार्केट हमें एक ग्रीन रन में एक अच्छी खासी देखने को मिल रही है, क्योंकि कल का दिन बहुत अच्छा था कि मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी कर ली थी। आज भी एक मिडल ऑर्डर पोजिशन पर मूव कर रही है, लेकिन आज एक न्यूट्रल कंडीशन में हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि 1.01% 24 घंटों में BTC इनकेस हुआ है। इथर 1.607% तक हमें गेन में देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम देखें तो 5.6565% टेरा लूना इनकेस हुआ है, सोलाना 4.87% इनकेस हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो शिबा इनु 1.70% तक की गेन में देखने को मिल रहा है। रेप्ट जो बिटकॉइन है वो भी 1.20% के साथ गेन में देखने को मिला है। तो भाई ये कुछ करंट मार्केट की कंडीशन चल रही है, कुछ हमें रेड रन में देखने को मिल रहा है, कुछ ग्रीन रन में देखने को मिल रहा है, लेकिन जो भी है वो 1-2% या डाउन है या 1-2% बुल रन में हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको फेयर एंड ग्रिड इंडेक्स दिखाऊं तो भाई वो भी एक 52 स्कोर के साथ न्यूट्रल पे मूव कर रहा है, क्योंकि कल भी फेयर एंड ग्रिड इंडेक्स एक न्यूट्रल इंडिकेटर पे था, आज भी एक 52 स्कोर के साथ एक न्यूट्रल पोजीशन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम बात करते चले न्यूज़ के हवाले से, तो भाई क्या क्या अपडेट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एयरबीएनबी सीईओ says they are actively exploring accepting Bitcoin and crypto as a payment method। बिल्कुल यहाँ पे Airbnb जो एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट साइट है वो क्रिप्टो को एज ए पेमेंट लेने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो European Union will no longer ban Bitcoin and proof of work cryptocurrency according to research। बिल्कुल अब हमें ये देखने को मिला है जो भी क्रिप्टो करेंसी जो प्रूफ ऑफ वर्क POW पे काम करती हैं, बिटकॉइन है या और कोई है, तो ये उनको बैन नहीं करेगी यूरोपियन यूनियन। तो ये एक बहुत बड़ी हमें देखने को मिलती है। तो MIT हैज़ नेम्ड इथेरियम अपकमिंग प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ये भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसके और हमें रिसेंटली देखने को मिला था कि यूक्रेन पोल्काडॉट को भी एज ए एक्सेप्ट कर रही है डोनेशन के लिए। तो अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला है कि 5.7 मिलियन की जो डोनेशन है जो यूक्रेन की गवर्नमेंट को की गई है पोल्काडॉट के जो फाउंडर हैं गेविन वुड, उनकी तरफ से। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हमें देखने को मिल रही है भाई, यूक्रेन को क्रिप्टो में डोनेट किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपके साथ बात करता चलूँ शिबा इनू के ऊपर, तो भाई AMC थेट्रेबल एक्सेप्ट डोज करें शिबा via BitPay। बिल्कुल यहाँ पे BitPay की मदद से जो शिबा इनू होगा या AMP होगा, जो डोज शिबा इनू या डोज होगा, उसको बिट पे की मदद से ही एज ए पेमेंट लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमें देखने को मिला है, क्योंकि AMC थेट्रेबल रिसेंटली इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते चलें भाई क्या क्या अपडेट्स हमें देखने को मिल सकती है सेवोन के हवाले से, क्योंकि वो सेवोन के हवाले से काफ़ी सारी अपडेट्स मुझे देखने को मिली। एक बहुत बड़ी अपडेट ये देखने को मिली, सेफून इज़ टॉप #1 ट्रेंडिंग टोकन दिस वीक ऑन बॉक्ड फाइनेंस अगेन। बिल्कुल बॉक्ड फाइनेंस पे हमें टॉप #1 पे हमें ये देखने को मिला है, स्टिल इन अ ट्रेंडिंग पोजीशन। क्योंकि अभी देखें तो भाई सेवून का बर्थडे भी है, तो इसी हवाले से हमें एक अच्छी खासी बड़ी बड़ी अपडेट्स वगैरह भी देखने को मिलने जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते चलें शिंजा शिबनोबी के हवाले से, तो भाई इस तरह से हमें एक लुक देखने को मिला है शिबनोबी शिंजा के जो वॉलेट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने AMM में थोड़ा बहुत इनकी जो लुक वगैरह दिखाया था, तो हमें इस तरह का कुछ एक इंटरफेस वगैरह आपको देखने को मिला। ये जो स्क्रीन पे यहाँ पे जो कवर किया गया है, तो ये बिल्कुल इसका एक इंटरफेस है। तो इस तरह का हमें शिबनोबी शिंजा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बात करें फ्लोकी इनू के ऊपर, तो भाई फ्लोकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल हुई है, क्योंकि फ्लोकी को रिसेंटली लिस्ट किया गया है हुबी ग्लोबल पे। न्यू लिस्टिंग है ना, हुबी फ्लोकी रियल फ्लोकी इनू जी, बिल्कुल तकरीबन 4 UTC को इसकी जो विड्रा वगैरह है वो भी ओपन की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमें देखने को मिला है कि भाई फ्लोकी इनू को फाइनल लिस्ट किया गया है। एक बहुत बड़ा मार्च के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ हमें देखने को मिला है कि भाई फ्लोकी को सपोर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करते चलें लवली इनू की, तो भाई लवली इनू अपना वॉलेट लॉन्च करने वाला है, जिसके ऊपर कमिंग सून लिखा हुआ है, और इनका कहना है कि ये एक पूरा का पूरा 100% डिसेंट्रलाइज वॉलेट होगा। तो अब देखते हैं कि भाई कितना डिसेंट्रलाइज होता है, लेकिन इन ये अपने वॉलेट को लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते चलें भाई टॉप गेनर टॉप लूजर की, तो भाई आज का जो हमारा गेनर है वो है शिबा ट्रॉन, तकरीबन 3335.50% के साथ हमें टॉप गेनर पे देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें डोज राइज अब तकरीबन 901% के साथ टॉप गेनर में, बॉबी ट्रैप हमें तकरीबन 426.54% के साथ टॉप गेनर पे देखने को मिला है। उसके बाद बैटल इनू हमें तकरीबन 254% के साथ टॉप गेनर पे देखने को मिला है। उसके बाद बियॉन्ड प्रोटोकॉल हमें 230% के साथ टॉप 5 गेनर की लिस्ट में देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर बात करते चले LCMC एक टोकन देखने को मिलता है जो 100% तक 95.73% के साथ लॉस में होकर हमें तकरीबन टॉप लूजर्स में देखने को मिला है। इसके साथ PFTM हमें 67.3% के लॉस में देखने को मिला है। डकी लेने 58% के साथ लॉस में देखने को मिला है। मेटाडोज कॉलोनी हमें 57% के साथ टॉप लूजर में देखने को मिला है और स्ट्रीमर हमें 52% के साथ टॉप लूजर्स में देखने को मिला है। तो दोस्तों ये कुछ हमारे टोकन्स हैं जो आज के हमारे टॉप गेनर और टॉप लूजर्स थे। तो यही थी आज की ये वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड किसी भी टोकन के रिलेटेड कोई भी वीडियो निकल के आए, कोई भी न्यूज़ निकल के आए, कोई भी अपडेट निकल के आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इस चीज़ को मिस ना कर सकें। तो मैं फिर मिलूँगा आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको अपना ख्याल रखना है। पीस।